तो चलिए बात सबसे पहले करेंगे मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के जैसलमेर दौरे की। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा सर्किट हाउस से। ये तस्वीरें जरा देखिएगा। अब आगे के जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी ओर बढ़ते हुए, लेकिन खासी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और इससे पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब सर्किट हाउस के गार्डन में मॉर्निंग वॉक करते नजर आए थे, लेकिन आप प्रस्तावित कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक हर घर तिरंगा अभियान, उस अभियान का भी आगाज 15 अगस्त और उसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश भर में जारी है। इसके अलावा एक पोथा मां के नाम, यह अभियान पहले से ही चलाया गया है, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान के तहत जैसलमेर के इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तरफ पहुंचे हैं और हो सकता है कि जितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं उनको संबोधित भी मुखिया करें। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सूर्यवीर सिंह तंवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उप मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे होंगे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, इसके अलावा तमाम और अन्य दिग्गज मौजूद, जानकारी लेंगे सहयोगी सूर्यवीर से। सूर्यवीर, मंच पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम अन्य लोग नजर आ रहे हैं, जरा बताइएगा और कौन कौन से गणमान्य अधिकारी मौजूद, किस तरीके का ये कार्यक्रम, क्योंकि हर घर तिरंगा होना चाहिए, किस तरह से इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, क्या संबोधन में खास रहेगा मुखिया के? जी बिल्कुल पूनम जी, जिस तरीके से है हर घर तिरंगा लहराना चाहिए, तो इसकी जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर से जो शुरुआत है, जो गगनचुंबी जो सोनार दुर्ग है वहां से हुई है, जहां सोनार दुर्ग की तलहटी पर जिस तरीके से है वो यहां पर आज तिरंगा फहरा रहा है और उसी के बीच है सूबे के मुखिया है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा जिस तरीके से सोनार दुर्ग की अखेप रोल में है वो पहुंच चुके हैं और उनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधायक छोटू सिंह भाटी है और विधायक छोटू सिंह भाटी जिस तरीके से है वो रंगीन तिरंगामय जो साफा होता है वो मुख्यमंत्री को है वो पहना रहे हैं और लगातार जिस तरीके से उनका तिरंगे के साफे के साथ है वो स्वागत करा है, जैसलमेर के अपनायत के साथ है वो स्वागत है और वो किया गया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री बेहद उत्साही दिखाई दे रहे हैं जैसलमेर वासियों को लेकर और लगातार मुखिया को देखकर भी है भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, क्योंकि सरहद भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से पड़ रहा है और भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा है वो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का है, वो साफा पहनाकर है वो स्वागत कर रहा है। तो कुल मिलाकर आज तिरंगा यात्रा है तो तिरंगामय जिस तरीके से है साफा है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पहना है, विधायक छोटू सिंह भाटी और जिस तरीके से उनके साथ है और जिस तरीके से है हरी झंडी है वो इस तिरंगा यात्रा को लेकर है वो दिखा रहे हैं मुखिया और तिरंगा यात्रा को लेकर जिस तरीके से यहाँ से है शुरुआत और आगाज है वो यहाँ से करेंगे, दुर्ग की तलहटी से जिस तरीके से है आगाज हरी झंडी के साथ दिखाई दे रहा है और मरु महोत्सव में जिस तरीके से जैसलमेर लोक संगीत के साथ है वो संगीत धुन की धुन बजाई जाती है वो धुन के साथ है वो मुख्यमंत्री ने आगाज है वो किया गया। तो चारों तरफ जिस तरीके से तिरंगा ही तिरंगामयी है वो नगरी जैसलमेर है वो हुई हुई है और काफी उत्साह स्वर्ण नगरी जैसलमेर वासियों में वो दिखाई दे रहा है और लगातार गाजे बाजे के साथ है जो हर घर तिरंगा फहराने की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं सोनार दुर्ग की तलहटी से शुरू हुई है उस वर्षा करके है वो स्वागत है वो किया जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से हरी झंडी है उन्होंने दिखाई है और मुख्यमंत्री लगातार इस जो तिरंगा यात्रा है उसको है वो रवाना है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में ढोल नगाड़ों की धुन है ढोल नगाड़ों के साथ है सारे लोग कलाकार है वो अपनी है प्रस्तुति है वो दे रहे हैं तिरंगा यात्रा को लेकर और भारत माता के जयकारे वंदे मातरम के जराके और सीमा सुरक्षा बल के जो जवान इस तिरंगा यात्रा की है शोभा बढ़ाए हुए हैं, सरहदों की रक्षा वो सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। उसी बीच जिस तरीके से है जो सीमा सुरक्षा बल की जो बैंड है उसके साथ है वो कहीं ना कहीं उन्हें बैंड ने भी है मुख्यमंत्री को सलामी दी है और सूबे के मुखिया है वो जिस तरीके से तिरंगा लहरा कर लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि इस बस्ती का ज्वार कहीं ना कहीं स्वर्ण नगरी जैसलमेर वासियों में उत्साह का दिखाई दे रहा है। होमगार्ड हो या पुलिस बल हो, साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम जो डिफेंट्री है या स्थानीय लोक कलाकार है वो कार्यक्रम में शिरकत की है, तो ऐसे में जो जैसलमेर घूमने आए जो विदेशी पर्यटक भी है वो इनको देखकर बेहद उत्साहित हो रहे हैं और वो एक दूसरे का जाऊंग वो भी फोटोग्राफी है वो सूबे के मुखिया की कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा जिस तरीके से जैसलमेर के तिरंगा यात्रा में जो उन्होंने हरी झंडी दिखाई है
तो हरी झंडी दिखाने के बाद जिस तरीके से वो यात्रा में है वो थोड़ी देर सम्मिलित होंगे और उनके पास है वो उनका मातोश्री कन्नौज जाने का कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल बताया जा रहा है। बिल्कुल सूर्यवीर आप बने रहिए क्योंकि आपके जरिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आपके जरिए जानकारी भी हम दे रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें दर्शकों को जैसलमेर से दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विधायक छोटू सिंह भाटी जिनके हाथों में तिरंगा और इस हर घर तिरंगा अभियान को हरी झंडी देखते हुए हाथ में तिरंगा लहराते हुए बेहद खूबसूरत तस्वीरें और उस रैली को रवाना कर दिया गया। हमारे जवानों के रूप में ये देशभक्ति जो नजर आ रही है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके अलावा खासी संख्या में आम नागरिक जो पहुंचे हैं जैसलमेर नगरी से सुनार दुर्ग पर, और सुनार दुर्ग से इस अभियान की शुरुआत की गई शायद इसलिए भी क्योंकि पूरा जैसलमेर इस खास कार्यक्रम को देख सकेगा, जान सकेगा, समझ सकेगा जो इसका उद्देश्य है हर घर तिरंगा। और सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं, फहराना नहीं, बल्कि इसका सम्मान करना भी बेहद उद्देश्य है। देशभक्ति की जो भावना है वो हमारे दिल में होनी चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। और सूर्यवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यवीर जैसे कि आपने जानकारी दी कि फिलहाल इस अभियान को हरी झंडी देकर रवाना कर दिया गया है, अब आगे क्या कुछ रहेगा क्योंकि मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा मंच से नीचे उतर रहे हैं, तो किस तरीके का प्रस्तावित कार्यक्रम है अब? जिस तरीके से सुबह के मुखिया मंच से उतर गए हैं हरी झंडी दिखाने के बाद भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, अब जिस तरीके से है जो जिप्सी में है वो मुख्यमंत्री चढ़े हैं और थोड़ी देर में है वो जिस तरीके से जिप्सी में सम्मिलित होकर कहीं ना कहीं है वो इस यात्रा में है वो शामिल हो रहे हैं, और जिस तरीके से जैसलमेर वासियों का है यात्रा के दौरान है वो अभिनंदन है वो करेंगे। महंत प्रतापपुरी महाराज है जो पोखरण विधायक है वो उनके साथ है, साथ ही साथ विधायक छोटू सिंह भाटी है और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है जो लगातार उनके साथ है, और साथ ही साथ जिस तरीके से है वो अब जिप्सी के दौरान जो जैसलमेर वासियों का है वो अभिनंदन है वो करेंगे। इस भारत माता के जयकारे और नारे हैं वो लग रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया का है वो गुलाब के फूलों से है, वो स्वनगरी वासियों का द्वारा है वो स्वागत है वो किया गया है। काफी भीड़ है चारों तरफ भारत माता के जयकारे हैं वो लगाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से हर कोई उत्साहित है और इस यात्रा को लेकर जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर वासी इंतजार कर रहे थे कि सुबह के मुखिया आएंगे और जो 14 अगस्त को जिस तरीके से यात्रा निकालेंगे, राष्ट्रभक्ति का जो संदेश है वो सरहद से है वो देंगे, तो उसी के बीच जिस तरीके से है वो आज संदेश है वो दिया जा रहा है सीमा से, और इस यात्रा में है वो मुख्यमंत्री जो सम्मिलित है वो हुए हैं, वो लगातार जिस तरीके से है वो यात्रा में जिससे गाड़ी में बैठकर लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस यात्रा को देखने पूरे जिलेवासी है वो यहाँ पर है वो पहुंचे हैं, तो काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो देखे जा रहे हैं, पुलिस के सुरक्षा पुख्ता दे रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से काफी भीड़ है इस दौरान जुमड़ी हुई है, और सोनापुर की तलहटी में है वो काफी उत्साह है वो देखा है वो जा रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जिस तरीके से है वो तिरंगा हाथ में लिए हुए गाड़ी में है वो चल रहे हैं, और भारत माता के जयकारे लगाते हुए लोग हैं, पुष्पों से है वो स्वागत है वो किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सूर्यवीर आप जानकारी दे रहे हैं, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं दर्शकों को क्योंकि अब ओपन जी में सवार तीनों दिग्गज महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि ये जो दृश्य है वो सिर्फ जैसलमेर वासियों के लिए नहीं है, प्रदेशवासियों के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, और ऐसे में देश का चाहे वो हर एक कोना हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोशिश इसी बात को लेकर कि देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, और ऐसे में जब तक हम अपने तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर देशभक्ति की भावना कैसे आएगी, और इसका सम्मान करना मुख्य उद्देश्य है क्योंकि काफी संघर्ष के बाद हमने इस तिरंगे को पाया है। आपने केंद्रीय मंत्री को भी सुना था गजेंद्र सिंह शेखावत को जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी दिल्ली में, तब उन्होंने ये बात कही थी, और इसे कई मायनों में ये सही साबित होता है, कितने क्रांतिकारी वीर, कितने जवान हमारे शहीद हुए, कितने दिग्गज लोग शहीद हुए सिर्फ इस आजादी को पाने के लिए, इस झंडे के लिए, ताकि हम इसे
पूरी वीरता के साथ, जांबाजी के साथ अपने देश में आजादी के साथ लहरा सके। और ऐसे में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और आदत सत्कार होना चाहिए हमारे तिरंगे के लिए। और एक दिन में सिमट कर नहीं रह जाइए, ये ताउम्र समर्पण भाव होना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। और ऐसे में सोनार दुर्ग से जब इस अभियान का आगाज हुआ तब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, और उससे पहले ये पहली तस्वीर जो है ये अभी की है, किले से बाहर आते हुए और आम नागरिक काफी संख्या में देखी कैसे झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। देशभक्ति भावना से ओतपुर ये पूरा इलाका नजर आ रहा है। सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से उनसे जानकारी ले लेते हैं। सूर्यवीर एक बार फिर से बताइए कि ये रूट कहां से कहां तक रहेगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं काफी संख्या में लोग भी आगे आगे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे पर भी वो सुकून नजर आ रहा है कि लोगों के दिल में देशभक्ति आज भी जिंदा है। ओवर टू यू सूर्यवीर। जी पूनम जी, जिस तरीके से पूरी जो स्वर्ण नगरी है वो आज देशभक्ति गानों से है, वो गूंज उठी है, भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री जिस तरीके से सोनार दुर्ग है वो एक हरा भरा हुआ है, इन मानसून के दौर में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुखिया का स्वागत है वो किया जा रहा है। और गगनचुंबी जिस तरीके से सोनार दुर्ग के जो दुर्गवासी है वो दुर्ग से जिस तरीके से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वहां से अभिनंदन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीएम ने सोनार दुर्ग के ऊपर देखकर भी है नागरिकों का अभिनंदन है वो किया कर रहा है। जिस तरीके से काफी उत्साह है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, कोकण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी और विधायक छोटू सिंह उनके बाटी के साथ हैं और लगातार जिस तरीके से है काफी उत्साह जो मुखिया को देकर है, हर कोई अपने कैमरे में ये लम्हे है वो कैद कर रहा है। और जो सोनार दुर्ग है वो चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जो आजादी है वो बहुत संघर्षों से हासिल हुई है और सीमावर्ती जिला जैसलमेर है इस आजादी को बहुत ही नजदीक से ये जानता है, क्योंकि जिस तरह विभाजन हुआ, विभाजन की विभिषिका के दौरान आज संगोष्ठी है वो सीएम करेंगे, तो इसकी जो गवाह है वो जैसलमेर की सरहद ही रही है, क्योंकि ये सरहद से जिस तरीके से है वो यहाँ के लोगों ने आप देखी है विभाजन की विभिषिका सरहदी जिले जैसलमेर में देखी है कि जो विभाजन की जो जो दीवार है वो जैसलमेर सीमावर्ती जैसलमेर में खड़ी हुई है। तो ऐसे में मुखिया यहाँ पर पहुंचे, मुखिया यहाँ के लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं क्योंकि काफी उत्साह है, हाथ लगा के हाथों में तिरंगा है और इस तिरंगे को लेकर आज सरहद पर जिस तरीके से है वो मुखिया पहुंचेंगे, सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात करेंगे और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ पाकिस्तान की सीमा पर जिस तरीके से पहुंचकर वहां पर लोगों का है, जवानों का है, उत्साहवर्धन का है वो कार्यक्रम है। तो ऐसे में मुखिया को देखने पूरा जिला है वो आज उमड़ चुका है, चाहे स्थानीय लोग हो या यहाँ पर जैसलमेर घूमने आने वाले टूरिस्ट वो यहाँ पर है पहुंचे हैं और लगातार जिस तरीके से अभिनंदन है वो किया जा रहा है। पुलिस के तमाम जिस तरीके से जो जवान है वो यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, बीएसएफ के जवान सम्मिलित हुए हैं, बॉर्डर होमगार्ड के जवान जो सम्मिलित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह है, हर तरफ चारों तरफ जिस तरीके से तिरंगा ही तिरंगा है वो नजर आ रहा है, तो काफी जोश और भाव मुख्यमंत्री में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से हाथों में तिरंगे को ऊपर लेकर है वो लगातार जिस तरीके से है वो लहरा रहे हैं, तो इसी बात से हमें समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सीमावर्ती जिले जैसलमेर है जो पाकिस्तान की सीमाओं से सटा हुआ है और लगातार सीमा छोड़कर जिस तरीके से जैसलमेर की जो सीमा 476 किलोमीटर की है, तो वहां से सूबे के मुखिया है वो संदेश दे रहे हैं और सूबे के मुखिया आज जिस तरीके से सड़क पर जाएंगे तो उन पाक विस्थापितों से भी जैसलमेर में मुलाकात करेंगे जो जो इस डिवाइडेशन की विभिषिका है वो झेलकर आए हैं और जिस तरीके से वहां होकर उनको क्या क्या परेशानियों का सामना है उस दौरान उनको है वो करनी पड़ी थी। तो काफी आज का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बेहद ही उत्साहवर्धक है वो रहने वाला है, कई कार्यक्रम में लोग है वो सम्मिलित है वो आज हुए हैं, ग्रामीण केंद्रों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पगड़ी बांधे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में तिरंगा की पगड़ी बांधे यहाँ के लोगों ने है उनका स्वागत किया है और काफी उत्साह और का भाव है वो जैसलमेर वासियों में है वो देखा जा सकता है। तो मुखिया
आज जैसलमेर में स्वर्ण नगरी जैसलमेर की उन तमाम सरहदों के बीच में पहुंचेंगे, उन जवानों से भी मुलाकात करेंगे जो 24 घंटे राउंड द क्लॉक जिस तरीके से हैं हमारी सरहदों की हिफाजत है वो करते हैं। इन सरहदों की हिफाजत के बीच जिनकी वजह से हमें 26 जनवरी का पर्व हो या 15 अगस्त का पर्व हो जो हम उत्साह के साथ है वो मनाते हैं, तो ऐसे में उन सरहदों के जवानों से मुलाकात करेंगे। तो उन सरहदों के जवानों ने जिस तरीके से तिरंगा यात्रा में भी सम्मिलित होकर जैसलमेर में जो मान सम्मान और वो अपना जज्बा है वो दिखाया है, तो मुखिया काफी उत्साहित है। लोग मुखिया के साथ दूर दूर से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, काफी उत्साह है वो देखा जा रहा है और लगातार जिस तरीके से है वो जैसलमेर से संदेश दे रहे हैं, वंदे मातरम की गूंज है वो सुनाई दे रही है। अच्छी बात यह है कि जिस सोनार गुरु को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग आते हैं और उसी के बीच है वो तिरंगे की यात्रा की शुरुआत है वो सूबे के मुखिया ने की है, क्योंकि गगनचुंबी जो सोनार दुर्ग है जो कई किलोमीटर से दिखता है और आज सोनार दुर्ग पर चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं, तो ऐसे में मुखिया का जैसलमेर में आना, जैसलमेर के लोगों से मिलना और साथ ही साथ जिस तरीके आज पूरे दिन के दिन यहीं रहना, उन तमाम जो आजादी के दिन जो लम्हे रहे थे, आजादी के दौरान जो विभीषिकाएं रही थी, 14 अगस्त का दिन हो 15 अगस्त का दिन हो, उन तमाम पहलुओं पर है वो आज सूबे के मुखिया है वो शाम को चर्चा भी करेंगे। तो वंदे मातरम की गूंज है वो चारों तरफ से जिस तरीके से है वो गूंज रही है, चारों तरफ जयकारे लगाए जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से है भाजपा के पदाधिकारी हो तमाम जो यहाँ पर है वो मौजूद है और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम के बीच है यात्रा के बाद हनुमान चौराहे पर यात्रा पहुंचेगी, तो काफी उत्साह देखा जा रहा है। सूबे के मुखिया है अभिनंदन कर रहे हैं जिस तरीके से है दुर्गवासियों का हाथ हिलाकर अभिनंदन है वो कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका लगाव बहुत ही है वो जैसलमेर से रहा है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव के दौरान जिस तरीके से वो प्रभारी भी है वो जैसलमेर के, तो उन्होंने जैसलमेर को है वो बहुत बारीकी से है जो देखा है बारीकी से जाना है, तो ऐसे में सोनार दुर्ग सहित कई जो जैसलमेर की समस्या को है वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बजट में जैसलमेर को उन्होंने है बहुत कुछ दिया, तो उसी बीच मुखिया यहाँ पर पहुंचे तो लोगों ने आभार व्यक्त किया जैसलमेर में कुछ ना कुछ देने के लिए, तो सोनार दुर्ग इन दिनों है। बिल्कुल बिल्कुल सूर्यवीर आप बने रहिए क्योंकि आपके जरिए हम लगातार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, बेहद अहम हो जाता है और जैसे कि आपने विस्तार से जानकारी दी जैसलमेर का नाम सामने आते ही एक तरफ तो रेतीले धोरे जहन में आते हैं तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर तैनात हमारे BSF के जवान, वो तमाम जवान जो कि गवाह है आज हमारी आजादी के, तनोट माता मंदिर जो कि गवाह है हमारी संघर्ष का हमारी आजादी का और इस बात का कि चाहे देशभक्ति हो या फिर माता की भक्ति हो वो कभी ऐसे खाली हाथ नहीं होती, क्योंकि आज भी वहां पर ऐसे गोले बारूद गवाह है हमारी भक्ति भाव के, तो ये बहुत कुछ बयां करती तस्वीरें। और अगर जैसलमेर से इस खास कार्यक्रम की शुरुआत के जरिए इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है 15 अगस्त से पहले की एक पूर्व संध्या ये बेहद खास हो जाती है, जहां देशभक्ति का जज्बा नजर आता है न सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री सांसद और बाकी अन्य विधायक के अलावा गणमान्य लोग यहां पर नजर आते हैं, सिर्फ उनमें देशभक्ति नहीं बल्कि हर एक शख्स में ये देशभक्ति की भावना चेहरे पर आंखों पर जुबानी नजर आती है, उनके हाव भाव में नजर आती है, यहाँ के कण कण में देशभक्ति नजर आती है और इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें और कोई हो नहीं सकती। सोनार दुर्ग जो कि गवाह है बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक चीजों का, चाहे वो संघर्ष की कहानी हो, वो राजा महाराजाओं की कहानी हो या फिर हमारे जवानों की और वो आजादी जिसके लिए हमारे कितने जवानों ने कुर्बानियां दे दी, क्रांतिकारी शहीद हो गए और आज उनकी बदौलत हम आज कह सकते हैं कि हम आजाद हैं, हम एक आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा भारत देश किसी का गुलाम नहीं है और इसीलिए हमें अपने उस संघर्ष की बदौलत मिले तिरंगे का सम्मान करना बेहद जरूरी। हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की और उसी को आगे बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरा और बेहद शानदार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
अब आगे ये रूट जो तय किया गया है उसी के तहत इस रैली को आगे बढ़ाया जा रहा है। बॉर्डर पर भजन लाल, लेकिन देशभक्ति जो नजर आ रही है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करने की तस्वीरें। और ऐसे में जो जवान यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं उनका हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर खुद मुखिया और मुखिया पहुंचे और उनका हौसला आज देखने लायक भी है, क्योंकि वो लगातार आज भी हमारे लिए तैनात रहते हैं कि दुश्मन देश से अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो ये लगातार, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई मौसम हो, हमेशा हमारे लिए सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता बोर्डर के पार, और इसीलिए बेहद खास हो जाता है जब उनके बीच में प्रदेश के मुखिया पहुंचते हैं, इस तरीके के कार्यक्रमों का आगाज करते हैं और तिरंगे का मान बढ़ाते हैं। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देशभक्ति से ओतप्रोत तस्वीरें, दो तस्वीरों के जरिए पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और उन्हीं के जरिए हम आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। लगातार सुरक्षा भी जरूरी है क्योंकि खासी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, आम नागरिक भी हैं, मुखिया है, उप मुखिया है, विधायक हैं और अन्य लोग भी हैं, तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसलिए सिक्योरिटी का भी खासा ध्यान रखा गया, आम नागरिकों को भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बदहाल हो जाती है जब इस तरीके की रैली का आगाज़ होता है और जब खुद मुखिया पहुँचे हों, तो उसका भी ध्यान रखने की बेहद ज़रूरी। लेकिन फिलहाल सुबह का वक्त है और ऐसे में लोगों में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति नजर आ रही है। सूर्यवीर सिंह तंवर लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सूर्यवीर, क्योंकि जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सोनार दुर्ग जो है यहाँ पर ऊपर आज भी किले में खासी संख्या में लोगों का डेरा है, लोग रहते हैं आज भी, और ऐसे में आसपास काफी मार्केट एरिया भी है, काफी होटल्स भी बनाए गए हैं क्योंकि टूरिस्ट इलाका है, और जैसलमेर जो कि एक हॉट प्लेस है टूरिस्ट के लिहाज से, तो खासी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तो भीड़ भाड़ वाले ऐसे इलाके में जहां पर मॉनसून सीजन भी हो, तो किस तरह से व्यवस्थाओं का चाक चौबंद ध्यान रखा गया है, जरा इसे लेकर भी अपडेट कीजिएगा। जी पूनम जी, जिस तरीके से देश दुनिया में अपने अमीर छाप है, वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर का किला है वो छोड़ चुका है, एक एकमात्र देश का है वो लिविंग फोर्ट है, जहाँ जिस तरीके से है करीब 3000 से ज्यादा लोग हैं वो निवास करते हैं, और नगर परिषद के दो वार्ड हैं वो इस किले में मौजूद है। तो ऐसे में लगातार जो 3000 लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुखिया का अभिनंदन है वो सोनार दुर्ग से किया है। सोनार दुर्ग में जिस तरीके से 99 भुरज है, तो 99 भुरजों पर जिस तरीके से है वो लोग वहाँ पर 99 भुरजों पर चढ़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद है वहाँ हाथ हिलाकर ने उनका अभिनंदन है वो किया गया है, और प्रत्येक बुर्ज पर आज तिरंगा है अपने शान के साथ है वो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ पर पर्यटन सीजन का अब आगाज होने वाला है, तो कई देशी विदेशी सैलानी यहाँ पहुंचे हैं, तो उन देशी विदेशी सैलानियों ने जिस तरीके से जैसलमेर की संस्कृति से रूबरू हुए हैं, तो उसके साथ ही आज जैसलमेर की जो राष्ट्रभक्ति से भी है उन्हें रूबरू होने का मौका है वो मिला है, क्योंकि तिरंगा यात्रा में हजारों लोग सम्मिलित हुए हैं, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो तमाम एजेंसियों सहित पुलिस के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भीड़भाड़ इलाका है, और सोनार दुर्ग की जिस तरीके से रिंग रोड से है ये यात्रा है वो निकल रही है, तो इसके अंदर पुलिस के सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम है वो देखने को मिले हैं, और डिसिप्लिन है उस यात्रा में बहुत अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि आमतौर पर रैलियों में काफी भीड़भाड़ रहती है, धक्का मुक्की होती है, तो हर किसी के हाथ में तिरंगा है, तो अनुशासन है वो आप सूबे के मुखिया के साथ है वो देखने मिला है, और इसकी तस्वीरें हम आपको जिस तरीके से दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति का ज्वार सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ वो देखने को मिला है, क्योंकि सोनार किला आज 868 साल हो चुके हैं और 868 वर्ष से लगातार जिस तरीके से है वो सीना तान के वो खड़ा है पाकिस्तान की सीमा के सामने, और लगातार और यहाँ से मुखिया यहाँ का पहुंचना और सोनार दुर्ग जो सूर्य की पहली चमक के साथ है वो सोने की तरफ है चमकता है, तो लगातार जिस तरीके से सूबे के मुखिया पहुंचे हैं और एसपी सुधीर चौधरी और लगातार जो जिला कलेक्टर है प्रताप सिंह नाथावत वो खुद है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार आगे आगे भागकर जिस तरीके से एक एक लोगों को है वो डिसिप्लिन के साथ देख रहे हैं, तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, और लगातार ऐसा नजारा जैसलमेर में राष्ट्रभक्ति का 15 अगस्त से पहले पूरा जो राष्ट्रभक्ति का दौर है वो जैसलमेर में आज से ही है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे में बहुत सुखद अनुभव ऐसा लग रहा है कि आज का दिन है वो किसी दिवाली या होली से भी बढ़कर है, क्योंकि लोग बेहद उत्साहित है और लोगों ने आज उत्साह के इतना दिखा दिया
कि सभी लोगों ने आज से ये अपने घर पर है वो तिरंगा है। और सूर्यवीर, और ये जो देशभक्ति की भावना है ये कभी मिटनी नहीं जानी चाहिए, ये ताउम्र जिंदा होनी चाहिए, और यही एकमात्र उद्देश्य भी है इस तरह के अभियानों का, खास कार्यक्रमों का। लोगों में कितना उत्साह है, हर किसी के हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद है, विधायक छोटू सिंह भाटी ने उनका स्वागत किया, विधायक महंत प्रताप पुरी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो बेहद खास तस्वीरें, दो तस्वीरों के जरा देखिएगा, पूरे कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई, सुनार दुर्ग से इसका अभियान किया गया, और इस अभियान के आगाज के बाद अब इस रैली को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है, वो संतुष्टि नजर आ रही है कि जिस देशभक्ति की भावना को जगाने का ये मकसद था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बस ये देशभक्ति कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, कभी मिटनी नहीं चाहिए, ना ही देश के प्रति, और साथ में हमारे तिरंगे के प्रति भी यही देशभक्ति हमेशा जिंदा हमारे मन में, हमारे जहन में होनी चाहिए। और सूर्यवीर सिंह तंवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सूर्यवीर, क्योंकि आपके जरिए दर्शकों को ये आज बेहद शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं जैसलमेर से जो आ रही है, खासी संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं, और भी ज्यादा जानकारी दीजिएगा, क्या युवा और बच्चे भी इस अभियान का हिस्सा बने हैं? जी पूनम जी, जिस तरीके से है वो आज तिरंगा यात्रा के दौरान, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो यात्रा है अभी फिलहाल जिस तरीके से है वो हनुमान चौराहे की और धीरे धीरे अग्रसर है वो हो रही है, और हनुमान चौराहे कुछ देर में पहुंचने वाली है। लेकिन इस यात्रा का जो मकसद था, जो बीते कई दिनों से, दो दिन से जो यात्रा चल रही थी तिरंगा की, जो बच्चों के साथ, स्कूली बच्चों के साथ, लेकिन आज का मोटिव जिस तरीके से है वो डिफेंस के और पुलिस के जवानों के साथ ये यात्रा करना था। ठीक है, तो ऐसे में जो बच्चे तो यहाँ पर पहुंचे हैं मुखिया को देखने, हाथों में ध्वज तो दिखाई दे रहा है, और स्काउट के जो बच्चे हैं, जो स्कूल के जो बच्चे हैं, वो भी कुछ लोग बच्चे हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे में अच्छा सहयोग ये भी रहा है कि मौसम की मेहरबानी है आज देखने को मिली है, आसमान में बादलों का डेरा है, तो ऐसे सूर्य की तपन है वो आज बहुत कम देखने को मिल रही है, क्योंकि चारों तरफ जिस तरीके से बारिश के बाद हरियाली हरियाली, तो ऊपर से अच्छा सुहावना मौसम और चारों ही तरफ तिरंगे ही तिरंगे, तो देशभक्ति का ज्वार आज सीमावर्ती जैसलमेर में है वो देखने को मिला है। हालांकि देशभक्ति है वो जैसलमेर के लोगों में कूट कूट कर भरी है, क्योंकि राष्ट्र की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है उनसे सीमा यह सटी है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों में जिस तरीके से देशभक्ति का ज्वार पहले से है, तो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज का जो काम है वो सीएम के आने के बाद हुआ है, तो ऐसे में जो 15 अगस्त जो कल आने आएगा तो उसको लेकर लोगों में अटूट जो श्रद्धा, अटूट जो राष्ट्रभक्ति है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोगों ने अपने तमाम जो के सोशल मीडिया अकाउंट हो या घर की छत हो, सबको है वो तिरंगामय कर दिया है। तो ऐसे में आज का जो नजारा किसी बड़े त्यौहार से कम दिखाई नहीं दे रहा है, काफी जोश दिखाई दे रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग यहाँ पर पहुंचे आए हैं, भले सिर पर है वो साफा बांध के आए हैं लेकिन हाथों में वो तिरंगा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री लगातार सोनार दुर्ग की तलहटी से जो निकले थे तो हाथों में जिस तरीके से उन्होंने तिरंगा थामा था वो तिरंगा अभी भी थामा हुआ है और लहराते फहराते हुए आगे लगातार वो बढ़ रहे हैं, तो काफी चेहरे पर मुस्कान सीएम के हैं, और सीएम लगातार जैसलमेर को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, मौसम खुशनुमा और चारों तरफ जिस तरीके से देशभक्ति के जो गीत जो सुनाई दे रहे हैं, वंदे मातरम के नारे हो या देशभक्ति के नारे हो जो लगातार सुनाई दे रहे हैं, तो ऐसे में जो इसकी गूंज है, जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो वहां पर तक की है वो पहुंच रही है, और इसी गूंज के साथ जिस तरीके से सूबे के मुखिया आज जैसे बॉर्डर पहुंचेंगे और बॉर्डर पर ही है वंदे मातरम की गूंज, भारत माता की जयकारे की गूंज इतनी तेज सुनाई देगी जो लगता है कि उसकी गूंज है वो सीमा पर पाकिस्तान की जो चौकियां है उसी तक है वो सुनाई दे, तो ऐसे में 15 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है वो जैसलमेर के लिए होने वाला है, क्योंकि मुखिया जब यहाँ पर पहुंचे तो आज से ही उन्होंने पूरा जो माहौल है वो देशभक्ति तय कर दिया है, लोग आज का दिन जिस तरीके से त्यौहार रूपी है वो बना रहे हैं, जिस तरीके से दीपावली में दो दिन पहले तैयारियां करते हैं तो आज 15 अगस्त के दिन भी है वो आज उन लोगों ने तैयारियां वो कर ली है, हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जब कोई स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस आता है
तो लोग उसी दिन तिरंगा फहराते हैं। तो लोगों ने अपने मुखिया को लेकर है दो दिन पहले ही तिरंगा फहरा दिया है और नाथ से जिस तरीके से काफी उत्साह चारों तरफ से है वो देखा जा रहा है। अब मुखिया जिस तरीके से है जो अंतिम जो पड़ाव है जो हनुमान चौराहे का वहां तक है वो पहुंचने वाले हैं और हनुमान चौराहे पर जिस तरीके से इस यात्रा का समापन होगा जो मुख्यमंत्री है सभी लोगों का अभिनंदन करेंगे और यहां से अपील करेंगे हर घर तिरंगा फहराने की, क्योंकि तिरंगा राष्ट्रभक्ति का ज्वार मुखिया है वो आज या सरद से संदेश है वो देने आए हैं और इस संदेश से लोकप्रियता मुख्यमंत्री की इतनी देखी जा रही है कि जो डिफेंस के जवान हैं उनके उनके साथ उनके जब यात्रा निकल रही है तो उनके साथ साथ है वो सेल्फी लेने की है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी मुराद है जिस तरीके से मुख्यमंत्री है वो पूरी करेंगे क्योंकि सरहदों के बीच है ये पहुंच रहे हैं और इस सरहद पर जिस तरीके से है राजस्थान फ्रंटियर के आईजी है वो वहां उनकी तैयारियों को लेकर है, उनका स्वागत करने के लिए आतुर है और लगातार भारत अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है, तनोट माता चौकी पर है। जिस तरीके से आज तनोट माता के हैं वो मुखिया दर्शन करेंगे और तनोट माता के प्रति जो गहरी आस्था है, तो प्रदेश में खुशहाली की जो कामना है, इस बार जो बजट आया तो बजट को किस तरीके से धरातल पर है वो लाना है, हर गांव और ढाणी में जो परेशानी को दूर करना है तो जो तनोट माता से है वो कामना है वो प्रदेश के मुखिया है वो आज करने वाले हैं। तो ऐसे में चेहरे पर काफी मुस्कान बहुत छाई हुई है क्योंकि मॉर्निंग वॉक के बाद तय कर लिया था कि आज का दिन भले थकान भरा रहे लेकिन सरहदों के जवानों के बीच में जाना है और सरहद जवानों को जिस तरीके से मोटिवेट करना है क्योंकि 24 घंटे राउंड द क्लॉक सरहद की रक्षा में बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो और तपती जिस तरीके से 55 डिग्री का टेम्परेचर हो, तो उसी बीच सीएम पहुंच रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही है कि आज मौसम बेहद खुशनुमा है, चारों तरफ जिस तरीके से हरियाली छाई हुई है तो कहीं ना कहीं बारिश के बाद कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल भराव की स्थिति हुई है तो मुखिया जब हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर पहुंचेंगे तनोट में तो कई आसपास का इलाका है जल भराव वाला वो हेलीकॉप्टर से भी देख सकते हैं। तो ऐसे में मुखिया का आज जैसलमेर दौरा और जैसलमेर दौरे के दौरान काफी सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री के जो आज रह रहे हैं तो काफी स्वर्ण नगरी जैसलमेर के लोगों में उत्साह है क्योंकि हनुमान चौराहे पर जिस तरीके से है बहुत लंबा गगनचुंबी जिस तरीके से तिरंगा फहरा हुआ है उसी के बीच ये आज यात्रा का है वो समापन है वो होगा। तो काफी उत्साह का भाव आज युवाओं में देखने को मिल रहा है, उत्साह काफी लोगों में देखने को मिल रहा है, हर कोई है मोबाइल में तस्वीरें लेने का प्रयास कर रहे हैं, इस लम्हे को भूलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि मुखिया बनने के बाद जो पहले 15 अगस्त का जो पर्व आ रहा है तो उस पर्व पर जिस तरीके से एक दिन पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, लोगों का जिस तरीके से धन्यवाद दे रहे हैं इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। तो ऐसे में बिल्कुल सुरेवी सुरक्षा के भी इंतजाम पूरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है जहां पर डेरा बीएसएफ के जवानों का हो हमारी आर्मी का हो वहां पर तो सिक्योरिटी तो टाइट होगी, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन जब मुखिया का आना हो तो और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है और वो व्यवस्थाएं चाक चौबंद हमें नजर भी आ रही है क्योंकि सोनार दुर्ग से जब इसकी शुरुआत हुई थी भीड़ वाला इलाका है, काफी संख्या में लोग वहां पर रहते भी हैं और ऐसे में जब नीचे मार्केट से होते हुए जैसे कि आपने कहा कि इस हनुमान चौराहे की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ना तो आम नागरिकों को दिक्कत हो और ना ही इस रैली में कोई विघ्न पड़े। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आ रही है सूर्यवीर, साथ में इस बात को हम समझना चाहेंगे क्योंकि आज जो तस्वीरें नजर आई हैं ये शायद जैसलमेर वासी ताउम्र ना भूलें क्योंकि 15 अगस्त को हर कोई अपने दिल में देश भावना को जगाता भी होगा, स्कूलों से लेकर आम घर में देशभक्ति के गाने गुनगुनाए भी जाते होंगे, देखे भी जाते होंगे और हो सकता है कि उस दिन का जिक्र भी किया जाता होगा जिस दिन हमें आजादी मिली थी और आज के दिन को कंपेयर भी किया जाता होगा। लेकिन क्या आमतौर पर 15 अगस्त से ठीक पहले 14 अगस्त को किस तरह का दिन बीतता है जैसलमेर में, क्योंकि आज की तस्वीर बेहद खास है, बेहद अहम है। और अन्य अगर हम सालों का जिक्र करें सूर्यवीर, आप भली भांति जानते हैं और तो आप बेहतर बता पाएंगे कि किस तरह से पूर्व संध्या गुजरती है जैसलमेर की।
जिस तरीके से आज सूबे के मुखिया है वो उनका जिस तरीके से जो यात्रा है वो स्थानीय हनुमान चौराहे पर है वो पहुंच चुकी है, और हनुमान चौराहे पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से है वो हनुमान चौराहे के गांधी दर्शन के आते जो महात्मा गांधी जी की है वो मूर्ति लगी हुई है, उन मूर्ति पर जिस तरीके से गांधी जी को है वो श्रद्धांजलि अर्पित भी करेंगे और साथ ही साथ पुष्प है वो चढ़ाए है वो जाएंगे। और लगातार जो महात्मा गांधी जो हमेशा अहिंसा का पाठ सिखाया है और लगातार जिनकी वजह से है वो भारत आज आजादी का है वो दिवस है वो बना रहा है, तो उसी को लेकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है वो मुख्यमंत्री लगातार तिरंगा फहरा रहे हैं और चारों तरफ जो सोना जो जैर का जो मुख्य हनुमान चौराहा है तो हनुमान चौराहा पर जिस तरीके से है चारों तरफ जहां तक नजर डाले तिरंगे ही तिरंगे है वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मुखिया का आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरे के महत्वपूर्ण दौरान जिस तरीके से है वो महात्मा गांधी जी को है वो जिस तरीके से है वो श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें पुष्प है वो अर्पित करेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से जो तिरंगा शान के साथ जो लहरा रहा है इन गगनचुंबी इमारतों के बीच में इन गगनचुंबी जो आसमान के बीच में उनके साथ ही जिस तरीके से है सीएम बेहद है वो उत्साहित है वो दिखाई दे रहे हैं। तो काफी जोश का भाव आज के दिन लोगों में है, लोग थके नहीं इस एक घंटे की यात्रा में, लोग डटे हुए हैं और लगातार जो भारत माता के जयकारे भारत मात वंदे मातरम के जयकारे वो है वो सुनाई दे रहे हैं। तस्वीरें बेहद अहम है आज की क्योंकि 14 अगस्त का दिन 15 अगस्त से एक दिन पहले और सूबे के मुखिया का जैसलमेर का दौरा और जैसलमेर दौरे के दौरान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यात्रा के दौरान जिस तरीके से है वो महात्मा गांधी जी को है वो पुष्प है वो अर्पित कर रहे हैं क्योंकि अहिंसा का पाठ है वो इनके सिखाया है महात्मा गांधी जी ने, जिनकी वजह से है वो आजादी है वो मिली है उन वीरों की वजह से जिन जिन ने इन आजादी में अपनी अहम भूमिका है वो निभाई है। तो स्थानीय हनुमान चौराहे पर गांधी जी की जो मूर्ति है उस पर है पुष्पांजलि अर्पित की है और आप देख सकते हैं किस तरीके से है वो अभिनंदन है हर किसी का है वो मुखिया है वो करते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में सूर्यवीर जैसे कि आपने बताया कि कैसे गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उनको याद किया गया, अहिंसावादी वो हमेशा रहे हैं, वही पाठ पढ़ाया गया और उस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और देखिए भारत माता की जय का यहाँ पर जयकारा लगाया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से गांधी प्रतिमा पर। ये हनुमान चौराहे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर पुष्प अर्पित भी किए गए और वंदे मार भारत माता की जय इस तरह के जयकारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगाए और हर किसी में जोश भरा गया है। सहयोगी सूर्यवीर जैसे कि हमें जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे सूर्यवीर, क्योंकि अब हनुमान चौराहे से क्या खास कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि अपनी गाड़ी में अब बैठकर रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है, वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे। अब कहां के लिए प्रस्थान करेंगे मुखिया, क्या कार्यक्रम रहेगा, जरा ये भी बताइएगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से जो तिरंगा यात्रा है वो यहाँ से समाप्त हो चुकी है और तिरंगा यात्रा के समाप्त होने के बाद है वो मुखिया है अब जिस तरीके से है वो सर्किट हाउस है वो वापस आ सकते हैं और सर्किट हाउस जाने के बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट पर जिस तरीके से है वो वहां पर सिवा से है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहां पहुंचेंगे और तनोट माता के वहां पर पहुंचेंगे। तनोट माता को लेकर जिस तरीके से तो तैयारियां हैं वो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा आज की गई है, सड़क पर है वो अब मुखिया पहुंचेंगे, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है वो आज पहुंचेंगे, बीएसएफ के जवानों से है वो मुलाकात करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के मातेश्वरी तनोट माता का दर्शन करेंगे क्योंकि तनोट माता का इतिहास बेहद रोचक रहा है क्योंकि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के दौरान उनको युद्ध वाली देवी भी है वो कहा जा सकता है, उनकी जो 1965 और 71 की जो युद्ध हुआ था तो कहीं ना कहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों या भारतीय जो जवान भारतीय सेना ने तो भले युद्ध लड़ा हो लेकिन ये युद्ध कहीं ना कहीं है वो भारतीय जो तनोट माता ने भी है उनका सहयोग किया है क्योंकि जो भी वहां आसपास जितने भी हजारों बम गिरे थे तो एक भी बम है वो नहीं फटा था। तो ऐसे में जो 120 जो सैनिक थे जो 65-71 के युद्ध में जो पाकिस्तान से जो लड़े थे उन्हें
71 के युद्ध में, तो उस युद्ध में जिस तरीके से है वो तनोट माता ने किस तरीके से जवानों की रक्षा है वो की थी, जो युद्ध है जो भारतीय जवानों ने है वो जीता था, तो इस युद्ध इस देवी को है बेहद आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है रूप से है वो याद किया जाता है, क्योंकि 65 और 71 युद्ध में है जो जो जोश है वो इसी देव युद्ध वाली देवी के ना तनोट माता के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ऐसे में मातेश्वरी तनोट माता के दर्शन करने हैं वो जो सीएम जो पहुंचेंगे थोड़ी देर में, और थोड़ी देर हेलीकॉप्टर में कम से कम 15-20 किलोमीटर का सफर रहने के बाद जिस तरीके से वहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले वो विजय स्तंभ पर गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, गार्ड ऑफ ऑनर के बाद विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद जिस तरीके से है वो जो तनोट माता के दर्शन के है वो करेंगे। तनोट माता के दर्शन करने के बाद वो बबलियान सीमा चौकी है वहां जाने का कार्यक्रम है। बबलियान सीमा चौकी पर जिस तरीके से है वो जवानों से मुलाकात करेंगे, जवानों के साथ मुलाकात करके वो विभिन्न चौकियों की तरफ देखेंगे, और दूरबीन के माध्यम से जिस तरीके से है जो राजस्थान फ्रंटियर के आईजी समेत तमाम जो सीबीएसएफ के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं जो सीमा चौकियों के बारे में है उनको अवगत कराएंगे कि किन विषम परिस्थिति में है हमारे जवान सरहदों की रक्षा करते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो तो किन परिस्थितियों में है वो रक्षा है वो करते हैं। तो ऐसे में आज बीएसएफ के साथ करीब से 1 से 1.5 घंटा है वो मुख्यमंत्री है वो बिताने वाले हैं, और इस सरहदों से है जिस तरीके से संदेश खास तौर पर है पूरे प्रदेश को पूरे देश को देते हुए दिखाई देंगे कि हमारी राष्ट्र है वो एकदम सुरक्षित है, हमारी सुरक्षित हाथों में है, और किस तरीके से जो जवान है वो कड़ी मुस्तैदी के साथ है वो डटे हुए हैं, तो वो संदेश है वो आज मुखिया यहाँ से देने वाले हैं, और जो 15 अगस्त की जो बधाई है वो देंगे, रक्षाबंधन आगामी दिनों में है वो बधाई देंगे, और सीएम ये देख संदेश देने का प्रयास करेंगे कि आप घर परिवार से है वो दूर नहीं है, घर आपका घर परिवार ही है वो जैसलमेर की निवासी है परदेश की निवासी है, क्योंकि एक बीएसएफ का जो परिवार है जो मिनी राजस्थ मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ प्रत्येक देश के कोने कोने से जवान है, चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रत्येक जो राज्यों से जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है, उनको घर परिवार की याद ना आए, तो इसी मौके पर जिस तरीके से मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है वो पिछली 2 बार जिस तरीके से है वो 15 अगस्त के दिन पर यहाँ पर पहुंचे थे, तो ऐसे में पीएम के बाद एक बार फिर से 15 अगस्त के दिन है वो सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इनको घर परिवार की याद ना आए या घर परिवार से दूर रहो, किस तरीके से जो बूस्टर डोज का जो काम है वो आज सीएम सरहद के रखवाली करनों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सरहद की रक्षा करने के साथ साथ जिस तरीके से जवान है कई रूप से है मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, उनको घर परिवार की याद आती है, क्योंकि सरहदों की रक्षा करना बेहद जरूरी होता है, तो उसी बीच यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी जो परेशानी है उनको जानेंगे, जो उनके अधिकारी है उनके साथ बीएसएफ के साथ चर्चा करना चाहेंगे किन किन क्या क्या जो बॉर्डरी सीमावर्ती क्षेत्र में है वो होने की है वो आवश्यकता है क्या चीज करने की आवश्यकता है, तो अधिकारियों के साथ है वो चर्चा कर बिल्कुल, और वो चर्चा वो तस्वीरें तनोट माता मंदिर में जब दर्शन करेंगे हर एक तस्वीर आपके जरिए हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। सूर्यवीर बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।